अगली खबर में बात करते हैं भिंड की, जहां जिले की दबो पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 बदमाशों को दबोचा है। बदमाश 1 सप्ताह से किसानों से मारपीट कर उन्हें लूट रहे थे। सभी बदमाश आसपास के गांवों के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने घेराबंदी की तो सबसे पहले इन्होंने फायर किया। जब पूरी तरह से घिर गया तो हथियारों को कुएं में फेंक कर भागने लगे। पुलिस पीछे दौड़ी तो पथराव भी किया। पुलिस मौके से हथियारों की बरामदगी के लिए कुएं को खंगाल रही है। इन बदमाशों पर आपराधिक रिकॉर्ड भी तलाश किया जा रहा है। लाहौर SDOP अवनीश बंसल का कहना है कि ये बदमाश स्थानीय हैं। वे किसानों से मारपीट कर लूटपाट करते थे। रात में पुलिस ने जब बदमाशों को पकड़ने के लिए दबिश दी तो ये बदमाश खेतों पर बिछी चारपाई पर सो रहे थे। पुलिस की आहट से सभी खेत पर बने एक कमरे में जा छिपे। यहां से उन्होंने पुलिस पर हवाई फायर किए। 2 से 3 राउंड फायर किए गए। इसके बाद पुलिस ने जब घेराबंदी की तो इन सभी ने कुएं में हथियार फेंक दिए। जब पुलिस बदमाशों को पकड़ने कमरे के नजदीक पहुंची तो उन्होंने पथराव भी किया। बदमाशों में एक फरदुआ गांव का रहने वाला है। पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में फरदुआ व करियावली के खेतों के पास की है। ये फरदुआ के एक किसान की खेत में बनी झोपड़ी में छिप गए थे। इन बदमाशों का मूवमेंट 1 सप्ताह से अरूसी, रुरई, फरदुआ, करियावली, लोटमपुरा, निसार, चुरली के हार में था।